गुस्से में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। मैंने सिर्फ रूम दिया था, मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। उसके बाद जो हुआ डीवीआर में पुलिस वालों के पास है। ये पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था, क्या हुआ उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुआ वो उन दोनों को पता है, मैं बाहर चली गई। पुलिस, परिवार या वो लड़की, कंझावला कांड में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये अब बड़ा सवाल बन चुका है। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। दिल्ली के कंझावला कांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपियों की गाड़ी के पीछे एक पीसीआर वैन दिखाई दे रही। इस बीच अंजलि की सहेली अब पुलिस के लिए एक पहेली बन चुकी है। मृतिका के परिवार का दावा है कि वो निधि को नहीं जानते और उसने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल नंबर एक, 15 दिन पुराने दोस्त ने सच बोला या झूठ। सवाल नंबर दो, कब तक सवालों से मुंह छिपाएगी दिल्ली पुलिस। सवाल नंबर तीन, अंजलि की दोस्त ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। सवाल नंबर चार, क्या आरोपियों को पहले से जानती है निधि। सवाल नंबर पांच, क्या अंजलि शराब पीकर स्कूटी चला रही थी। लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, प्लानों है तो गाड़ी हम ले, लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है, लड़कों ने जान बूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई, उसको ब्लैनो गाड़ी दो बार आगे लेके गई, दो बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी, उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। इस बीच कंझावला कांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले से जुड़ी FSL रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आइए आपको बताते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। अंजलि के कार के अंदर होने के सबूत नहीं मिले हैं। उस रात दीपक गाड़ी चला रहा था। आरोपी दीपक का परिवार इस घटना के बाद घर छोड़कर भाग चुका है। कार की लेफ्ट फ्रंट व्हील में फंसी थी अंजलि सिंह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि अंजलि सिंह का दिमाग नहीं मिला है। परिवार का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पीड़िता की मां का कहना है कि अंजलि कभी शराब पीकर घर नहीं आई। ऐसे में यह केस अब उलझता जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने अंजलि की सहेली के बयान दर्ज किए। सहेली ने बताया कि वो अंजलि के साथ न्यू ईयर की पार्टी में गई थी। वहां अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। इसके बाद दोनों रात करीब 2 बजे घर के लिए निकले। सहेली के मुताबिक अंजलि बहुत नशे में थी और कार चालक भी नशे में धुत थे। एक चीज बताओ, आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे कौन? वो बलेनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो बलेनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो के बाहर खड़े थे वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसे चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। जिस होटल में अंजलि पार्टी करने गई थी उसके मैनेजर ने बताया कि अंजलि और उसकी दोस्त पार्टी के लिए पहले से पहुंच चुकी थी। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों लड़कियां होटल से बाहर निकल गई। मैंने सिर्फ रूम दिया था, मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। उसके बाद जो हुआ डीवीआर में पुलिस वालों के पास है।
लेकिन दो जो लड़कियां आई थी कहां रुकी थी, एक बार रूम में रुकी थी 104 में। 104 में जी। अच्छा, पहले भी कभी आपने उनको देखा हो शूटिंग में आई? हां जी देखा। लड़की के झगड़ा करने थी ऐसा कुछ तो सामने आया? नीचे झगड़ा हुआ उनका। झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था सर। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनका। कंझावला कांड पर दिल्ली की सियासत गर्म हो चुकी है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अमित शाह गृह मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हैं। आपने दावा किया कि वो दिल्ली को सुधारेंगे। अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। आपके गृह मंत्री बनने के बाद दिल्ली के न्यायालयों में हत्या का मामला आया, दिल्ली में छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, वकीलों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, गैंग वार दिल्ली की सड़कों ने बर्दाश्त किया, देखा, गैंग वार की घटनाओं का गवाह बना दिल्ली। अगर कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है इसको छोड़ दीजिए। अमित शाह जी, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था दे दीजिए, आपको ठीक करके हम दिखाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली पुलिस पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाए गए। पुलिस पर दबाव है? क्यों पुलिस लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है? दिल्ली पुलिस पर दबाव क्या है वो इस पोस्टर में आपको साफ दिखेगा। क्या ये सच है या नहीं कि 5 अपराधी जिन्होंने उस अपराध को अंजाम दिया, 12 किलोमीटर तक बेटी को घसीटा, उन 5ों में एक आरोपी का नाम मनोज मित्तल है। कौन है मनोज मित्तल? ये मनोज मित्तल भाजपा का मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 का सह संयोजक है। भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलिस भाजपा के इस नेता को बचाने के लिए मामले को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये हमारा सीधा आरोप है। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता की मां से बात करने के बाद वकील दिलाने का भरोसा दिलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बेटी को न्याय दिलवाएंगे और पीड़िता की मां का इलाज भी कराएंगे। रीजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमार्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है, और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। कंझावला कांड के आरोपी पार्टी करके न्यू ईयर की रात लौट रहे थे। आरोपी दीपक खन्ना और अमित खन्ना ने अपने दोस्त आशुतोष से कार ली थी। इस कार में सवार होकर सभी 5 आरोपी मूर्थल में पार्टी करने गए थे। मूर्थल से लौटते वक्त कंझावला में ये कांड हुआ। बाद में एक्सीडेंट के बाद दोनों ने कार को आशुतोष के पास ही छोड़ दिया। दोनों ने आशुतोष को बताया था कि दोनों शराब पीकर आ रहे थे, तभी कार स्कूटी से टकरा गई। दोनों कार छोड़कर घर चले गए। ये कार आशुतोष के साले की थी। अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है, और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, उसी रात दिल्ली में अंजलि का शव मिला था। उसे दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक
घसीटा गया था। इसके बाद शव को सड़क पर छोड़ दिया गया। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो शव देखकर हैरान रह गई। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था। लाश की हालत ऐसी थी कि हर किसी का दिल दहल जाए। पुलिस का दावा है कि 5 कार सवार युवकों ने युवती की स्कूटी को टक्कर मारी। इसके बाद अंजलि सिंह का शव कार में फंस गया। इसके चलते वो घसीटती चली गई और आरोपियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब आरोपियों ने आगे कार रोकी तो देखा कि एक शव उनकी कार में फंसा है। इसके बाद वो शव को सड़क पर छोड़कर भाग निकले। कंझावला कांड के 5 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अंजलि की सहेली अब एक पहेली बन चुकी है। कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहाँ से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। उधर पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच अंजलि के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की वकालत हो रही है। ऐसे में यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि कंझावला कांड में कौन सच्चा है और कौन झूठा। एक लड़की जिसका नाम निधि है, दिल्ली पुलिस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वारदात के 3 दिन के बाद लाती और बयान दिलवाती है। बयान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए, भाजपा के नेता को बचाने के लिए निधि को आगे करके इस तरह के बयान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है। सवाल जो अपराध हुआ उस पर नहीं, अपराधियों पर नहीं, मृतक पीड़िता पर उठाए जा रहे हैं। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।